हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल होराइजन एंड बियॉन्ड। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे हिंदू गॉड्स के बारे में जो जापान में भी पूजे जाते हैं और कुछ जो हमारे हिंदू गॉड से बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे हमारे हिंदू गॉड्स के ट्रिनिटी में से लॉर्ड ब्रह्मा जी के बारे में, जो कि जापनीज गॉड पॉन्तेन से बहुत मेल खाते हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी के चार सर हैं, वैसे ही जापान में पॉन्तेन के भी चार सर हैं। जहां इंडिया में ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, वही जापान में भी ब्रह्मा जी को लॉर्ड बुद्धा के प्रोटेक्टर के रूप में देखा जाता है। दोनों में एक सिमिलरिटी ये भी है कि दोनों ही गॉड्स के हाथ में एक लोटस का फ्लावर दिखाई देता है। जापान के लोगों के अनुसार ब्रह्मा जी ने ही भगवान बुद्धा को जीवन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया था। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे शिव जी की। जापान में शिव जी को डाइकोकु तेन के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे धर्म में शिव जी को महाशक्तिशाली माना जाता है, वैसे ही जापान में डाइकोकु तेन को सर्वशक्तिशाली माना जाता है। एक बड़ी सिमिलरिटी इनके नाम में भी है। जैसे कि हम महादेव को महाकाल के नाम से भी जानते हैं, वैसे ही जापान में डाइकोकु तेन को द ग्रेट ब्लैक कहा जाता है। किंतु इनमें एक डिससिमिलरिटी भी है। जैसे भारत में भगवान शिव को बहुत सीरियस सृष्टि के विनाशक के रूप में देखा जाता है, वहीं डाइकोकु तेन जापान में एक हसमुख देवता है जिन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता। जैसे महाकाल के हाथ में त्रिशूल है, वैसे ही डाइकोकु तेन के हाथ में एक छोटा सा हैमर है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे भगवान विष्णु जी के बारे में, जिन्हें हम श्री हरि नारायण भी कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जापान में उन्हें नारायण तेन कहा जाता है। दोनों ही भगवान में सबसे बड़ी सिमिलरिटी ये है, जो कि हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि दोनों भगवान एक ही है। वो है कि दोनों ही देशों का मानना है कि श्री हरि नारायण या नारायण तेन के पास अनंत शक्ति है तथा वो सर्वशक्तिशाली भी हैं। और गरुड़ा देव जापान में गरुड़ा उनका वाहन है। जापान में गरुड़ देव को भी पूजा जाता है तथा उनके बहुत मंदिर भी हैं। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे श्री गणेश जी की, जिन्हें जापान में केनगाइटो या शोतेन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इंडिया में किसी भी नई चीज़ की शुरुआत गणेश जी की पूजा करके की जाती है, वैसे ही जापान में भी केनगाइटन को पूजा जाता है। जापान में कुछ मंदिर बहुत पुराने हैं जिनका इतिहास हजारों सालों से भी पुराना है। यहाँ सिर्फ जापान के लोग ही नहीं आते बल्कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इन प्राचीन मंदिरों में से ही एक मंदिर है केनगाइटन का, यानी हमारे गणेश जी का। भगवान केनगाइटन का यह मंदिर 8वीं शताब्दी से बना हुआ है। टोक्यो के इस मंदिर के अलावा पूरे जापान में 250 से भी ज़्यादा गणेश जी के मंदिर हैं। जैसे हम गणेश जी को बहुत से नामों से जानते हैं, गणपति, विनायक, वैसे ही जापान में भी उन्हें बहुत से नामों से पूजा और पुकारा जाता है। जैसे कि शोतेन, गणपति, विनायक तेन, जो कि हमारे विनायक से पूरी तरह मैच करता है। फिफ्थ नंबर पे हम बात करेंगे सरस्वती माता के बारे में, जिन्हें जापान में बेंजाई तेन कहते हैं। सरस्वती माता शिक्षा, आर्ट, संगीत, ज्ञान की देवी मानी जाती है और उन्हें पूरे भारत में हर जगह इन्हीं कारणों से पूजा भी जाता है। किंतु हैरानी की बात यह है कि जापान में भी सरस्वती माता यानी बेंजाई तेन को इन्हीं कारणों की वजह से पूजा जाता है और जापान में भारत से भी ज़्यादा सरस्वती माता के मंदिर हैं। सिक्स नंबर पर हम बात करेंगे माता लक्ष्मी जी की। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी को जापान में किचिजुतेन के नाम से जाना जाता है, जहां भारत में ये माना जाता है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में संपन्नता आती है, वैसे ही जापान में भी यही माना जाता है कि किचिजुतेन की यानी लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में गुड लक आता है। सेवन नंबर पे हम बात करेंगे मृत्यु के देवता यमराज की, जिन्हें जापान में एमातेन के नाम से जाना जाता है। दोनों में ही ये सिमिलरिटी है
कि जैसे हिंदू धर्म में यमराज की सवारी बफेलो को माना गया है, वैसे ही जापान में भी हमें यही देखने को मिलता है कि एमातेन की सवारी बफेलो ही है। हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि हमारे मृत्यु के बाद यमराज ही हमें यमलोक लेके जाते हैं और वहाँ पे हमारे पाप पुण्य के अनुसार हमारा जजमेंट होता है। जापान में भी यही माना जाता है। दोनों ही देशों में यमराज को एक भयानक चेहरे से दिखाया जाता है। दोस्तों बस इतना ही नहीं, बहुत से और हिंदू देवी देवता भी जापान में पूजे जाते हैं, जैसे कि देवराज इंद्रदेव, वरुण देव, सूर्यदेव, पवन देव और भी बहुत देवी देवता जो कि जापान में अभी भी पूजे जाते हैं। सो सवाल ये है कि हिंदू देवी देवता जापान में किस प्रकार पूजे जाते हैं, कब से पूजे जाते हैं और कैसे पूजे जाते हैं, जहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि उनका कल्चर और हमारा कल्चर कितना भिन्न है। शायद इसका ये कारण हो सकता है कि सनातन धर्म बौद्ध धर्म के रास्ते इन देशों तक पहुंचा हो या नहीं, ये कोई नहीं बता सकता। इसका जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि सनातन धर्म तो सदियों से चला आ रहा है, जो कि सिर्फ भारत देश को ही नहीं बल्कि विश्व के कई ऐसे देशों को जीने का रास्ता सिखाता है। सो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सी यू।